सुबह के नाश्ते में बनाएं या शाम के स्नैक्स में, ये एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है जो सबको पसंद आएगा। और इसी के साथ हम ये चटनी बनाएंगे जो इस नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम आधा कप बेसन लेंगे और एक कप लेंगे सूजी। तो सूजी आप कोई से भी ले सकते हैं इस नाश्ते के लिए। इसी के साथ लेंगे एक कप दही और ये एक चम्मच है पाव भाजी मसाला। इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप पानी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे सूजी और बेसन अच्छे से भीग जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बैटर काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप पानी और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते के लिए हमें इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बैटर एकदम परफेक्ट है, इतना थिक इसे रखें। अब कलर के लिए इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और ये है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिससे ये इडली एकदम फ्लफी और सॉफ्ट बनेगी। आप यहाँ पर इनो फ्रूट सॉल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा डालने से इडली बनाने में अगर टाइम भी लगेगा ना तो भी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। इस पर 2 चम्मच पानी डाल देंगे और हल्के हाथों से बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर एकदम फ्लफी हो चुका है। यहाँ पर हमने ये मिनी इडली प्लेट ली है, इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें हम ये 1-1 छोटा चम्मच बैटर डाल देंगे। तो बहुत बहुत टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है, इसे ज़रूर से बनाकर देखिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगा। अब इस प्लेट को 2 से 3 बार टैप करेंगे और इसे हम स्टीमर में रख देते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इस प्लेट को रख देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इडली को स्टीम होने देते हैं। और ये देखिए पूरे 8 मिनट लगे हैं इसे स्टीम होने में, ये इडली अच्छे से बन चुकी है, एकदम फ्लफी बनी है। को अब इस इडली प्लेट को निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तब ये सारी इडली बहुत आसानी से निकल जाएगी। बेसन और सूजी की बनी हुई ये मिनी इडली बहुत बहुत टेस्टी बनती है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। तो ये मसाला इडली बन करके तैयार है। ये देखिए अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही खाएं। हम इसमें एक तड़का लगाएंगे और इसके साथ बनाएंगे एक बहुत बहुत टेस्टी चटनी। सारी इडली बन चुकी है, अब हम एक पैन में लेंगे ये 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून मस्टर्ड, थोड़े से करी पत्ता और 1 बड़ा चम्मच लेंगे सफ़ेद तिल और इसी के साथ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और इन सबको एक बार चलाएंगे 2 फ्लेम पर तिल को अच्छे से भून लें। ये सारी इडली हम इस पैन में डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मसाले की कोटिंग इन पर हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इन्हें चलाना है और ये खाने के लिए एकदम तैयार है। अब आप इन्हें चाहें तो टमाटो केचप के साथ सर्व करें। हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे और चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इन्हें हम रफली चॉप कर देंगे। अब एक पैन में लेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून सरसों के दाने, 1 चम्मच लेंगे चने की दाल, 1 चम्मच लेंगे उड़द की दाल और ये 1 टेबल स्पून है साबुत खड़ा धनिया और इसी के साथ 1/4 टीस्पून लेंगे मेथी दाना, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा। लो फ्लेम पर इन्हें चलाएंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम 4 से 5 गार्लिक क्लोव, 10 से 12 करी पत्ता और रफली चुपके हुए प्याज डाल देंगे और इन्हें हमें लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक हरी मिर्च भी डाल दी है, थोड़े से ये ट्रांसपेरेंट होंगे तब तक इन्हें भूनना है। इसमें हम कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जो ज़्यादा तीखी नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और प्याज को अच्छे से ठंडा होने दें। और जब ये ठंडे हो जाए ना तो हम इन्हें मिक्सर जार में डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे इमली का पानी। ये 1/4 कप इमली का पानी है, इसी के साथ चटनी को ग्राइंड करेंगे। इस चटनी में एक टेस्टी सा तड़का लगाएंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लेंगे और 1/2 टीस्पून लेंगे चने की दाल और थोड़ी सी हींग डालेंगे, 10 से 12 करी पत्ता। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया ना इसे हम पैन में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से चलाएंगे। तो ये जो चटनी है ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती है, आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। काफ़ी थिक है तो इसमें पानी डाल दें। पानी डाल दिया थोड़ा सा, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर गुड़ डाल देंगे।
आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं। बिना टमाटर के यह खट्टी मीठी और तीखी चटनी बनकर के तैयार है, जो इस नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है। तो कैसी लगी आपको ये नाश्ते की रेसिपी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सुबह के नाश्ते में बनाएं या शाम के स्नैक्स में, ये सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।